IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। दोस्तों IPS बनना हर एक भारतीय नागरिक का सपना होता है। हर एक भारतीय नागरिक चाहता है कि वो IPS बनकर देश की सेवा करे, क्योंकि IPS पोस्ट ही ऐसी होती है जिसमें रुतबा, पैसा, इज्जत सब कुछ आपको मिलता है। तो आप भी एक IPS ऑफिसर बनना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को IPS बनने की पूरी जानकारी दूंगा, जैसे IPS बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं, इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, सब कुछ। तो आइए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। IPS ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको UPSC का एग्जाम क्लियर करना होता है, जो कि इतना आसान नहीं है। UPSC का एग्जाम में हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही टफ होता है। इसमें कई सारे स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सही गाइड के साथ UPSC एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि IPS ऑफिसर एग्जाम एलिजिबिलिटी के बारे में। IPS ऑफिसर बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन यहां पर SC/ST कैंडिडेट के लिए कुछ सालों की छूट है। SC/ST कैंडिडेट वालों के लिए 5 साल की छूट है। IPS ऑफिसर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, और फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्ट्रीम से ग्रेजुएट कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आप एक IPS ऑफिसर बन सकते हो। अब बात करते हैं कि IPS ऑफिसर बनने के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। IPS ऑफिसर बनने के लिए जो पुरुष की हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और SC/ST या OBC वालों के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट जो है आपका सीना वो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। SC/ST या OBC वालों के लिए हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपका चेस्ट है सीना यानी वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइट की बात करें तो ठीक आंखों के लिए जो आपका आई विजन होना चाहिए वो 6x6 या 6x9 होना चाहिए, और वीक आई विजन के लिए 6x12 या 6x9 होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि एक IPS ऑफिसर में होनी चाहिए। अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तो आप एक IPS ऑफिसर बन सकते हो। अब बात करते हैं कि IPS ऑफिसर कैसे बने। तो देखिए, IPS ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास करना जरूरी है, और 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास करें कोई दिक्कत नहीं है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर आप 12th क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, और ग्रेजुएशन में भी सेम चीज लागू होती है कि आपकी जिससे मर्जी हो आप ग्रेजुएशन करें, BSc करें, BTech करें, BA करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको UPSC के एग्जाम के लिए अप्लाई करना है आपको, और या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी UPSC एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। UPSC के एग्जाम में आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहले आता है प्रीलिम्स, फिर आता है मेंस, उसके बाद आता है इंटरव्यू, और उसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट आपका। अगर आप इन सारे चीजों को पूरा कर लेते हो तो आप एक IPS ऑफिसर बन जाते हो। अब सबसे पहले अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना है तो प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। एक बार अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर लेते हो, और मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें कुछ रिटन टेस्ट होते हैं और कुछ इंटरव्यू होते हैं, जो कि सबसे टफ माना जाता है दोस्तों। तो अगर आप एक बार मेंस एग्जाम भी क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और आपका लगभग 45 से 45 मिनट तक का इंटरव्यू होता है। एक बार अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है। तो अगर आप इन सारी चीजों को क्लियर कर लेते हो तो आप एक IPS ऑफिसर बन जाते हो। तो दोस्तों ये थी IPS बनने की पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।